हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? कैसा लग रहा है आपको सातवीं कक्षा में आकर? बहुत अच्छा ना। आइए आज हम सातवीं कक्षा के एक बहुत ही मजेदार पाठ पढ़ते हैं, जिसका नाम है चाहता हूं। आप सभी ने अपनी हिंदी की किताब तो देखी ही होगी, उसका ये पहला पाठ है। तो आइए इस पाठ को पढ़ते हैं। आज के इस वीडियो को देखकर हम क्या क्या जान पाएंगे, पहले इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि देशभक्ति किसे कहते हैं। आप सभी ने सोचा है देशभक्ति किसे कहते हैं? अगर नहीं सोचा तो चलिए इस वीडियो को देखते हुए सोचेंगे और कविता को पढ़ेंगे। आपने बहुत सारी कविता पढ़ी होंगी, तो इस वाली कविता को, जो सातवीं क्लास की कविता है, इसको कैसे पढ़ना है वो भी देखेंगे और चाहता हूं कविता का अर्थ जानेंगे। आइए शुरू करते हैं ये वीडियो और जानते हैं कविता के बारे में। आप सभी तैयार हैं? जोर से बोलिए। वेरी गुड। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू करने से पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। आप सभी ने सोचा है कि मैं कौन हूं? अरे मैं नहीं, आप कौन हो? अगर आप सभी एक चूहे हो तो आप क्या करना चाहोगे? आप सभी चीजों को कुतरना चाहोगे, चूहे तो यही करते हैं। अच्छा, अगर आप सभी स्टूडेंट हो यानी विद्यार्थी हो तो क्या करना चाहोगे? बिल्कुल सही, हम सब पढ़ना चाहेंगे। पर अगर आप सिपाही हुए तब आप क्या करना चाहोगे? सोचो सोचो। तब हम अपने देश के लिए लड़ना चाहेंगे, हम देशभक्त कहलाएंगे। अब ये देशभक्ति क्या होती है? दरअसल देश के लिए सब कुछ करना, देश से प्रेम करना देशभक्ति कहलाती है। जैसे कि हम मंदिर में जाकर ईश्वर की भक्ति करते हैं, उसी तरह हम सिपाही बनकर देश की भक्ति करते हैं। अब ये जो कविता हम पढ़ेंगे ना, चाहता हूं, ये भी एक सिपाही की कविता है जो युद्ध पर जा रहा है और ये बता रहा है कि वो देश के लिए क्या-क्या करना चाहता है। आप सभी जानना चाहते हो कि सिपाही क्या-क्या करना चाहता है? जोर से बोलो एक बार। बिल्कुल सही। तो आइए शुरू करते हैं। कविता है मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। आइए पहले हम इन दो लाइन का अर्थ जानते हैं, मीनिंग जानते हैं, फिर उसके बाद हम आगे की कविता पढ़ेंगे। समर्पित का मतलब होता है सौंपना यानी देना, और तन का मतलब होता है शरीर। पर्यायवाची शब्द आप सबने पढ़े हैं ना, बहुत सारे शब्दों के एक ही मतलब होते हैं, उसे हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहां पर तन का अर्थ शरीर है, मतलब तन जो है वो शरीर का पर्यायवाची शब्द है। जो सिपाही है वो ये कहता है कि मैं अपना तन और मन यानी शरीर और मन और ये जीवन सौंपना चाहता हूं। किसको सौंपना चाहता हूं? देश की धरती को। और उसे ये भी बहुत कम लग रहा है। अब क्यों कम लग रहा है ये आगे पता चलेगा। आगे कवि कहता है मां तुम्हारा ऋण बहुत मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन। अब मां कौन है? मां मतलब भारत माता। तो जो मां का ऋण, ऋण का मतलब होता है उधार, तो जो भारत माता का उधार है ना, वो सिपाही पर बहुत ज्यादा है। कैसे है? कौन सा उधार है? भारत मां ने क्या सिपाही को पैसे दिए बहुत सारे? नहीं, ये जो हमें स्वच्छ हवा मिलती है, ये जो स्नेह मिलता है और इतने सुंदर सुंदर अनाज हैं, फूल हैं, पुष्प हैं, वायु है, ये सारी चीजें क्या हैं? हमें भारत मां से ही तो मिली हैं। और इसीलिए जो सिपाही है वो कह रहा है कि मुझ पर ये उधार है। अकिंचन का मतलब होता है गरीब,
और सिपाही तो बहुत गरीब है, उधार बहुत बड़ा है, पर फिर भी जो सिपाही है वो कह रहा है कि मैं ये विनती कर रहा हूं कि मैं अपना सब कुछ आपको सौंपना चाहता हूं। यानी सिपाही क्या करना चाहता है, अपना सब कुछ भारत माँ को सौंपना चाहता है। चलिए आगे देखते हैं कि क्या कहता है सिपाही। सिपाही कहता है, थाल में लाऊं सजाकर भाल जब भी, दया कर स्वीकार लेना यह समर्पण। अब थाल तो होती है बड़ी सी थाली, अब भाल क्या होता है, भाल का मतलब होता है सिर, सिर मस्तक जिस पर हम तिलक लगाते हैं ना वो। तो सिपाही कह रहा है कि जब भी मैं अपना सिर थाली में सजा कर लाऊं तो उसे स्वीकार कर लेना, यानी मेरे प्राण भी देश के लिए मैं दे सकता हूं, और जब मैं ऐसा करूं तो हे भारत माता उसे स्वीकार कर लेना। यही इस लाइन का मतलब है। आइए अब हम आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। सिपाही कहता है, मान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। तो मान का मतलब होता है सम्मान, अर्पित का मतलब होता है सौंपना, प्राण का अर्थ होता है जान। तो सिपाही कह रहे हैं कि मैं अपना सम्मान भी आपको सौंप देता हूं, अपने प्राण भी आपको सौंप देता हूं। रक्त का मतलब होता है खून। सिपाही कह रहा है कि मैं अपना सम्मान, प्राण और रक्त का एक एक कण, यानी जो खून का एक एक कतरा है, वो अपने देश के लिए बहा सकता हूं, सौंप सकता हूं देश को। यहां पर देखिए सिपाही कितना बहादुर है। हम सबको अपनी जान का खतरा रहता है, पर वो अपनी जान भी देश के लिए त्याग देगा। आइए अब हम इस कविता को पढ़ते हैं सुंदर से, आपको भी मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है। चलिए आप सभी अपनी किताब खोल लीजिए और ये वाली कविता निकाल लीजिए और मेरे साथ पढ़िए। पहले मैं पढ़ूंगा फिर आप पढ़ेंगे। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। आइए अब अगली लाइन पढ़ते हैं। माँ तुम्हारा ऋण बहुत है मैं अकिंचन, किंतु इतना कर रहा फिर भी निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर भाल जब भी, कर दया स्वीकार लेना यह समर्पण। मान अर्पित प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती, तुझे कुछ और भी दूं। मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती, तुझे
तुझे कुछ और भी दूं। आइए बच्चों, देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। आज हमने जाना कि देशभक्ति क्या होती है, और साथ ही हमने यह भी जान लिया कि चाहता हूं कविता का मतलब क्या है। तो देखा बच्चों, कितना मजा आया। कल आप इस कविता को पूरा पढ़कर आइएगा, फिर हम इस कविता को पढ़ेंगे और पूरी कविता को समझेंगे। आपकी किताब का नाम है, बोलिए मेरे साथ, भाषा मंजरी। ओके बच्चों, बाय, फिर मिलते हैं।